फडणवीस, अजित पवार जी, सरकार के अन्य मंत्रीगण, हमारा कर्ता वीर भूमि युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है, भारत को नई ऊर्जा से भर देना। आप सब नौजवानों के बीच नासिक में मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सर्वोपरि रखा आप सफाई करें, संबंध महाराष्ट्र की धरती से रहा। ये इस पुण्य भूमि का, इस वीर भूमि का और इस तपो भूमि का प्रभाव काफी समय हमारे देश के अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी प्रौद्योगिकता पर टिकी है। श्री अरबिंदो स्वामी विवेकानंद का आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नगर निगम टाउन हॉल परिसर में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्पीच सुनने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। वो नासिक में पूरे देश भर से पहुंचे हुए युवाओं को युवा दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने एक लक्ष्य दिए हैं, विकसित भारत 2047, उसको लेकर के युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। हम सब अभी मोदी जी के स्पीच सुन रहे हैं।